टीना एक काफी बड़े घर की इकलौती लड़की होती है, बहुत ही सुंदर होती है और सुशील। पर उसको एक अजीब सा शौक था, उसे छोटे कपड़े पहनने का बहुत शौक था। वो कभी भी कहीं भी जाती हमेशा छोटे कपड़े ही पहनती। ऐसे ही एक बार वो बाहर घूमने जा रही थी, तभी टीना की माँ बोली, बेटी कहाँ जा रही हो? मम्मी एक दोस्त से मिलने बाहर जा रही हूँ घूमने, घर में रह रहकर बोर हो जाती हूँ, इसलिए थोड़ा घूमकर आऊंगी जिससे माइंड फ्रेश हो जाएगा। ठीक है बेटा, मैं तो बाहर जा रही हूँ अपनी दोस्तों के वहाँ, छोटी सी किटी पार्टी रखी है, मुझे भी माइंड फ्रेश करना है। हाँ मम्मी सच कहा आपने, पूरा दिन घर में रहोगे तो दिमाग खराब तो होगा ही ना, क्या करें हम तो बैठे बैठे थक जाते हैं, इसीलिए एंजॉय करना भी जरूरी है लाइफ में। हाँ बेटा सही कहा तूने, एंजॉय करना तो आजकल बहुत जरूरी हो गया है, नहीं तो यहाँ बैठे बैठे दिमाग खराब हो जाता है। बस बेटा मुझे एक बात की कमी है। आपको और कमी? ठीक है बताओ क्या कमी है आपको, इतना बड़ा घर होते हुए किस चीज की कमी हो रही है आपको? हाँ बेटा मुझे तो साड़ी से ही काम चलाना पड़ता है, तेरी तरह शॉर्ट स्कर्ट थोड़ी या मिनी स्कर्ट थोड़ी पहन सकती हूँ मैं। हाँ माँ वो तो है, मेरे जैसे कपड़े कभी नहीं पहन सकती हो, बुढ़ी हो गई हो ना आप, वैसे भी क्या करोगी इस बुढ़ापे में ऐसे कपड़े पहन के, साड़ी में ही खुश रहो और जाने दीजिए मुझे। ऐसा बोल के टीना वहाँ से चली गई अपनी फ्रेंड से मिलने। वहाँ जब वो पहुँची तो उसने देखा कि उसके दोस्त के साथ उसका बचपन का फ्रेंड भी आया हुआ है, राज। तीनों अच्छे से बैठकर बातें कर रहे थे, तभी टीना की फ्रेंड बोली, अरे टीना इतने लेट कैसे हो गई? वैसे तो घूमने के नाम से कब से तैयार होके आ जाती है, पर आज तो तुम्हें आने में काफी देर लगा दिया, कब से वेट कर रहे थे तेरा? अरे वो मम्मी की वजह से थोड़ा लेट हो गई, पका दिया उन्होंने आज। अरे ऐसा क्यों बोल रही है, आंटी तो कितनी अच्छी हैं, तुझे कभी भी रोकती टोकती नहीं है, जहाँ जाना है वहाँ जाने देती हैं। फिर क्या हुआ जो अचानक से आंटी के बारे में ऐसा बोल रही है? कुछ मत पूछ यार, वो अपने दोस्तों के साथ जा रही थी, वहाँ उनको मेरी तरह छोटे छोटे कपड़े पहनकर जाना था, अब कौन समझाए उन्हें कि ये सब बुढ़े लोगों के पहनने का नहीं है। अरे छोड़ यार ये सब बातें, देख कौन आया है, राज हमारे साथ स्कूल में पढ़ता था, US चला गया था, अभी इंडिया में ही सेटल हो गया है, ये भी मेरे साथ आएगा आज तुझसे मिलने। अरे राज कैसे आना हुआ तुम्हारा वापस इंडिया, तुम तो वहाँ ही सेटल हो गए थे ना, तो फिर यहाँ वापस क्यों आए हो? बस अब तो वापस आ गया हूँ, अब यहीं सेटल होके रहने का सोचा है, मेरी फैमिली भी यहीं रहती है और मैं चाहता हूँ कि मैं भी अब परमानेंट उनके साथ ही रहो। और तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी जैसी पहले थी वैसी ही हूँ, घूमती हूँ मजे करती हूँ, बस यही लाइफ है अपनी। तो तुम्हारी शादी हुई या नहीं? नहीं अभी तक तो नहीं हुई, एक्चुअली मैं यहाँ इसी काम से आया हूँ, तुम्हें यही बोलना चाहता था स्कूल से बोलना चाहता था पर बोल नहीं पाया, तो अब बोल रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरे मैं भी तुम्हें स्कूल से ही पसंद करती थी, पर कभी बोलने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि तुमने भी तो नहीं बोला ना मुझसे, चलो मैं तो रेडी हूँ तुमसे शादी करने को। ऐसे ही टीना और राज के परिवार वाले दोनों की शादी करवा देते हैं। अब टीना राज के घर रहने लगती है जहाँ उसके सास और ससुर होते हैं। उनका घर भी टीना के घर की तरह बड़ा होता है, बस टीना यहाँ आके अपने छोटे कपड़े पहनने की आदत को खत्म नहीं कर पाती है और हमेशा छोटे छोटे कपड़े पहन कर ही घूमती थी। बेटा ऐसे कपड़े क्यों पहनती रहती हो घर में, रिश्तेदार आते रहते हैं, थोड़े अच्छे कपड़े पहना करो जिससे तुम संस्कारी लगोगी। हाँ आप कहना क्या चाहती हो मम्मी जी, क्या मैं संस्कारी नहीं हूँ? मैं क्या ऐसी आवारा लड़की हूँ क्या? मेरे माँ बाप ने ऐसा आज तक मुझे कभी नहीं कहा और आप मुझे ऐसा बोल रही हो? नहीं बेटा मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस इसलिए बोल रही थी क्योंकि घर में लोग आते रहते हैं, फिर पता नहीं कौन क्या बोलता होगा पीठ पीछे। जो भी बोलना है बोलिए, जैसे भी बोलना है बोलिए, लेकिन मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनूंगी, मुझे ऐसे कपड़े पसंद हैं तो मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी बस। ठीक है बेटा जो करना है करो, बोलना मेरा फर्ज था, अब निभाना तुम्हारा है, जैसी तुम्हारी इच्छा। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। एक दिन ससुर जी के दोस्त घर पर आए हुए होते हैं, तभी वहाँ टीना और राज आते हैं। हमेशा की तरह आज भी टीना ने छोटे कपड़े ही पहने होते हैं, तभी उसका जो वन पीस होता है वो टेबल पर अटक जाता है और फट जाता है।
जिसे देखकर आया हुआ मेहमान गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, ये क्या बेहूदगी है राज बेटा, तुमने अपनी बीवी को थोड़ी भी तमीज नहीं सिखाई है क्या? कैसे रहना चाहिए बाहर वालों के सामने? बिल्कुल ही बदतमीज है ये टीना, तुम्हें जरा सी भी तमीज नहीं है। अरे सॉरी अंकल, ये सब गलती से हो गया, ऐसा कोई थोड़ी चाहता था हो जाए, लेकिन हो गया, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। अंकल गुस्सा मत करिए, पानी पीजिए। क्या पानी पी लूं? तुमसे ये बदतमीजी की उम्मीद नहीं थी मुझे राज, आज तुमने सारी हदें पार कर दी। पहले तो तुम लोग यहाँ अपने घर में ही ऐसी बदतमीजी करते हो और अब मुझसे भी बदतमीजी की उम्मीद करते हो? नहीं अंकल, मेरा वो मतलब नहीं था, वो तो मैं बस चाह रहा था कि आप अपना गुस्सा शांत कर लो, बाकी कुछ मतलब नहीं था मेरा, बस ऐसा ही बोलना चाहता था। जो भी हो राज, पर मुझे पता चल गया है यहाँ कितनी बदतमीजी होती है। मैं तो यहाँ बिजनेस डील करने के लिए आया था, तुम्हारी कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट लेके आया था, पर तुम तो यहाँ बिजनेस करवाने के मूड में ही नहीं हो। पहले अपने घर का माहौल देखो, तुम बिजनेस करने के मूड में ही नहीं हो, तुम तो बदतमीजियाँ करने के मूड में हो। मुझे अब तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करनी है। अरे अंकल, आप कहाँ का गुस्सा कहाँ निकाल रहे हो, मेरी बात समझो, ऐसा कुछ नहीं था जैसा आप समझ रहे हो, बस थोड़ी सी गलत फहमी हो गई है आपको। ठीक है, मैं तुम्हें ऑर्डर दे दूंगा, क्योंकि तुम्हारी कंपनी का काम से मैं बहुत खुश हूँ, और जब भी तुम्हें काम देता हूँ तो काम अच्छा होता है, लेकिन मेरी एक शर्त है, आज के बाद ना ही तुम ना ही टीना मेरे सामने कभी भी बदतमीजी करोगे, ना ही अपने घर में बदतमीजियाँ करते फिरोगे। ठीक है अंकल, आप सही बोल रहे हो, माफ कर दो हमें, हम ही बेवकूफ थे, अब ऐसा कभी नहीं होगा उनसे। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन टीना अपने छोटे कपड़ों को छोड़कर साड़ी पहनकर बाहर आती है। पहली बार सबने उसको साड़ी में देखकर चौंक जाते हैं और टीना की सास उससे बोलती है, क्या बात है टीना बेटा, आज कोई छोटे कपड़े नहीं पहने हैं तुमने, बस साड़ी पहनकर एकदम से सामने आ गई, क्या हो गया, आज का दिन क्यों बदला बदला लग रहा है? मम्मी, जब कल कोई भी नहीं था घर में, तब अंकल जी थे और बहुत गुस्सा हुए, और मेरे छोटे कपड़ों की वजह से राज को बहुत सारा सुनना पड़ा, इसलिए अब से मैंने साड़ी पहनने का शुरू कर दिया है। चलो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, बस तुम ऐसे ही रहा करो बेटा, ऐसे तो तुम और भी ज्यादा सुंदर लग रही हो और ज्यादा संस्कारी भी लग रही हो। हाँ माँ जी, आपने सही कहा था, मेरी ही गलती है जो मैंने आपकी बात को नजरअंदाज किया, लेकिन अब ये गलती मैं कभी नहीं दोहराऊंगी। फिर उसके बाद टीना अपने छोटे कपड़े पहनने की आदत को छोड़ देती है और जहाँ जैसे कपड़े पहनने की जरूरत होती है वहाँ ऐसे ही कपड़े पहनती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।